हुंडई की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू। इस गाड़ी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, क्या मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए इस गाड़ी में इन्वेस्ट करना सही फैसला होगा। नेक्सॉन, इको स्पोर्ट, विटारा ब्रिजा, WRV, XUV300 जैसी धुरंधर गाड़ियों को छोड़कर हुंडई वेन्यू को खरीदना सही फैसला है या नहीं? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं, अपना कंफ्यूजन खत्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं हुंडई वेन्यू की अच्छाइयों के साथ साथ सारी कमियां भी बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि वेन्यू आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पॉजिटिव्स, अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, माइलेज। इस गाड़ी के दोनों पेट्रोल इंजन में सेगमेंट का सबसे ज़्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है। सेगमेंट से मेरा मतलब है विटारा ब्रिजा, नेक्सॉन, XUV300, होंडा WRV और इको स्पोर्ट। वेन्यू के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में 17.52 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि इसके 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन में 18.27 KMPL का, और अगर आप इस इंजन में DCT खरीदते हैं तो 18.15 KMPL का। हालांकि WRV में 17.52 और इको स्पोर्ट में 18.1 KMPL का माइलेज भी मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा कम है वेन्यू से, लेकिन कम तो है। इसके अलावा इसके डीजल इंजन में 23.7 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि अपनी सेगमेंट में थर्ड हाईएस्ट है। फर्स्ट पर होंडा WRV आ जाती है और सेकंड पर विटारा ब्रिजा। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, बूट स्पेस। इस गाड़ी को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि इस गाड़ी की बूट स्पेस उन गाड़ियों से ज़्यादा होगी जो इससे देखने में बड़ी लगती हैं। वेन्यू में 350 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि XUV300 और विटारा ब्रिजा से ज़्यादा है, नेक्सॉन के बराबर है और इको स्पोर्ट से सिर्फ 2 लीटर कम है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको होंडा WRV में मिलती है 363 लीटर की। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी की स्टीयरिंग हो, गियरबॉक्स या फिर क्लच, तीनों ही काफ़ी स्मूथ और लाइट हैं। इसकी सीट्स और सस्पेंशन आपको सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं। इसमें मिलने वाला 1.4 लीटर डीजल इंजन आप में से ज़्यादातर लोगों ने एलीट i20 और क्रेटा जैसी गाड़ियों में चला रखा होगा। ये इंजन वेन्यू के साथ भी उतना ही स्मूथ और रिफाइंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें मिलने वाला 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन स्मूथ है, साइलेंट है, रिफाइंड है, लेकिन इसको चलाने में उतना मज़ा नहीं आता। कहीं कहीं पर यह इंजन अंडर पावर्ड लगता है। और अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की। तो यही वो इंजन है जिसके साथ वेन्यू आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी ये इंजन काफ़ी रिफाइंड है। हालांकि हायर RPMs पर यह इंजन थोड़ा नॉइजी हो जाता है, लेकिन वो नॉइज भी स्पोर्टी फील देती है, ना कि इरिटेटिंग। ओवरऑल इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी ज़बरदस्त है, स्पेशली 1 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर डीजल इंजन के साथ। हुंडई वेन्यू अपनी सेगमेंट की लेटेस्ट लॉन्च है, जिसकी वजह से इसकी डिज़ाइन बिल्कुल फ्रेश है। वेन्यू की फ्रंट प्रोफाइल को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये गाड़ी सामने से देखने में काफ़ी एडवांस्ड लगती है। इस तरह का डिज़ाइन पैटर्न आपको हाल फिलहाल सेगमेंट की किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। इसके इंटीरियर की फिट एंड फिनिशिंग भी हुंडई की बाकी गाड़ियों की तरह एकदम परफेक्ट है। इसके इंटीरियर में आपको डैशटॉप टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि आजकल लगभग हर किसी गाड़ी में दी जा रही है, जबकि सेगमेंट की WRV, XUV300 और विटारा ब्रिजा जैसी गाड़ियों में आपको डैशटॉप टच स्क्रीन नहीं मिल पाती। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी में डीजल इंजन के साथ साथ 2 तरह के पेट्रोल इंजन भी मिल जाते हैं। पेट्रोल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि सेगमेंट की कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें या तो सिर्फ डीजल इंजन मिल पाता है या फिर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिल पाता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही नहीं है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस 5.1 मीटर है, जो कि WRV, विटारा ब्रिजा, XUV300 और इको स्पोर्ट जैसी गाड़ियों से कम है, लेकिन नेक्सॉन के बराबर है। मैं आपको बता दूं कि टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। उतनी ही कम जगह में आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, ट्रैफिक जाम वाली कंडीशन में भी काफ़ी आसानी हो जाती है अगर टर्निंग रेडियस कम हो तो। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स। सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ABS, 6 एयरबैग्स, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट,
सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। जबकि सेगमेंट में आने वाली नेक्सॉन, विटारा ब्रीजा और WRV जैसी गाड़ियों में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स ही मैक्सिमम मिल पाते हैं। सेवंथ पॉजिटिव पॉइंट, सिर्फ सेफ्टी फीचर्स ही नहीं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में भी Hyundai Venue अपनी सेगमेंट की काफ़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है। इस गाड़ी में कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिल पाते। साथ ही में कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में तो हैं लेकिन सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं है। ब्लू लिंक, जिसमें आपको 33 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, वायरलेस चार्जिंग, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, एयर प्योरीफायर, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, मल्टीपल थीम्स इन इंटीरियर, ब्लैक, खाकी डुअल टोन एंड डेनिम डुअल टोन। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ Venue में ही मिल पाते हैं, सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं मिल पाते। जबकि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रियर आर्मरेस्ट, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स आपको Venue में तो मिल जाते हैं लेकिन होंडा WRV में नहीं मिल पाते। इसी तरह से लेदर सीट्स और सनरूफ आपको Venue में तो मिल जाते हैं लेकिन विटारा ब्रीजा और नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। ऑटो हेडलैम्प्स आपको Venue में मिल जाते हैं लेकिन WRV और नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। रियर एसी वेंट्स आपको Venue में मिल जाते हैं जबकि WRV, विटारा ब्रीजा, इको स्पोर्ट और XUV300 में नहीं मिल पाते। इसी तरह से रियर पावर आउटलेट भी आपको इसमें मिल जाता है लेकिन WRV, विटारा ब्रीजा और XUV में नहीं मिल पाता। क्रूज कंट्रोल इसमें मिल जाता है लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाता। डुअल USB पोर्ट्स इसमें मिल जाते हैं लेकिन विटारा ब्रीजा, नेक्सॉन और WRV में नहीं मिल पाते। कूल ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाता है लेकिन इको स्पोर्ट में नहीं मिल पाता। इन सारी बातों के अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सनरूफ वाली गाड़ी ही खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि इस गाड़ी में टॉप वेरिएंट के साथ साथ सेकंड टॉप वेरिएंट में भी सनरूफ दी हुई है, जबकि ज़्यादातर गाड़ियों के सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही सनरूफ देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 8 इंच की HD डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाती है, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में 6.5 इंच से 7 इंच की टच स्क्रीन मिल पाती है। हालांकि इको स्पोर्ट में सबसे बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है 9 इंच की। 8th पॉजिटिव पॉइंट, वारंटी ऑफर। इस गाड़ी में 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि सेगमेंट में आने वाली नेक्सॉन, XUV, इको स्पोर्ट और विटारा ब्रीजा में आपको इतना अच्छा वारंटी ऑफर नहीं मिल पाता। हालांकि WRV में भी आपको सेम वारंटी ऑफर दिया गया है। 9th पॉजिटिव पॉइंट, Venue Hyundai का प्रोडक्ट है। Hyundai की आफ्टर सेल सर्विसेज इंडिया में बेहतरीन है। इसके अलावा Hyundai की गाड़ियों का मेंटेनेंस भी कम होता है। अगर आप 2-3-4 साल चलाने के बाद Hyundai Venue को मार्केट में वापस बेचने के लिए जाते हैं तो आपको इसकी रीसेल वैल्यू भी ज़बरदस्त मिल जाएगी। 10th पॉजिटिव पॉइंट, अभी तक बताए हुए 9 पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया कि Hyundai Venue किन किन मामलों में सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से बेहतर है। इस गाड़ी में फुली लोडेड फीचर्स, फुली लोडेड सेफ्टी, बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के बावजूद भी इस गाड़ी के प्राइसेस काफ़ी कम हैं जो इसको वैल्यू फॉर मनी डील बनाते हैं। एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 6.50 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 11.10 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। अगर मैं इन प्राइसेस को सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करता हूँ तो विटारा ब्रीजा से ये गाड़ी करीब 7,000 से 45,000 रुपये तक महंगी है। नेक्सॉन से इसका बेस वेरिएंट करीब 8,000 रुपये सस्ता है, जबकि टॉप वेरिएंट करीब 10,000 रुपये महंगा है। इको स्पोर्ट से ये गाड़ी 23,000 रुपये से 1,19,000 रुपये तक सस्ती है। होंडा WRV से इसका बेस वेरिएंट करीब 1,34,000 रुपये सस्ता है, जबकि टॉप वेरिएंट करीब 62,000 रुपीज़ 62,000 रुपये महंगा है। XUV300 की बात करते हैं तो ये गाड़ी उससे 1.6 लाख रुपीज़ सस्ती है। ये जो प्राइस डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी करेंट एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब तक इनमें से कुछ गाड़ियों के प्राइसेस ऊपर नीचे हो चुके हों। तो चलिए ये तो हो गए इस गाड़ी के पॉजिटिव्स, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कमियों के बारे में, नेगेटिव्स के बारे में। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में मिलने वाला 1.4 लीटर डीजल इंजन चलाने में अंडर पावर्ड लगता है, लेकिन अगर ऑन पेपर बात की जाए तो ये इंजन अपनी सेगमेंट में सबसे कम पावर जनरेट करता है। हालांकि विटारा ब्रीजा का इंजन भी इतना ही पावरफुल है, उल्टा 19 Nm का टॉर्क कम ही जनरेट करता है, लेकिन सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो ये इंजन काफ़ी कम पावरफुल है और टॉर्की है। इसी तरह से इसमें मिलने वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी कम पावरफुल है और कम टॉर्की है, चलाने में भी और ऑन पेपर भी।
सेकंड नेगेटिव पॉइंट, इसके 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन में माइलेज तो सबसे ज्यादा क्लेम किया जाता है 18.27 kmpl का, लेकिन रियल लाइफ कंडीशंस में आप इतने अच्छे माइलेज की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये गाड़ी रियल लाइफ कंडीशंस में 9 टू 11 kmpl का माइलेज निकाल कर दे पा रही है। हालांकि ज़्यादातर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स रियल लाइफ कंडीशंस में अच्छा माइलेज निकाल कर नहीं दे पाते हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी की फ्रंट रो में आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है, बूट में भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, लेकिन इतना अच्छा स्पेस आपको इसकी सेकंड रो की सीट्स पर नहीं मिल पाता। रियर सीट्स पर आपको हेडरूम तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन लेग रूम बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता है, ना ज़रूरत से कम और ना ज़्यादा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस गाड़ी की रियर सीट्स पर आपको सेगमेंट का सबसे कम लेग रूम मिलता है, तो वो शायद गलत नहीं होगा। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, टॉप वेरिएंट के साथ साथ सेकंड टॉप वेरिएंट में भी इसमें सनरूफ मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो इसके सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिल पाते हैं, जबकि इसके सेकंड टॉप वेरिएंट या फिर उससे भी नीचे के वेरिएंट में मिलने चाहिए थे, जैसे कि 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जैसे बेसिक फीचर्स आपको इसके सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिल पाते हैं। अगर आप इसका सेकंड टॉप वेरिएंट खरीदते हैं, चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन में या फिर ऑटोमेटिक में, आपको इतने बेसिक फीचर्स भी नहीं मिल पाएंगे। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, आजकल ज़्यादातर बड़े शहरों में जहाँ पर लंबे जाम होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग मैनुअल ट्रांसमिशन की जगह ऑटोमेटिक लेना पसंद करते हैं, और उनमें से भी ज़्यादातर लोग डीजल ऑटोमेटिक लेना पसंद करते हैं, जबकि डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन हुंडई वेन्यू में नहीं मिलता, जबकि सेगमेंट की विटारा ब्रिजा और नेक्सॉन में मिल जाता है। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, जगह जगह पर हर स्पीड ब्रेकर पर यह गाड़ी टकरा जाती है, लेकिन अगर ऑन पेपर बात की जाए तो अपनी सेगमेंट में सेकंड लोवेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इसी गाड़ी की है। इसमें 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि सेगमेंट में सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस एक्सयूवी 300 में मिलती है 180 mm की, और सबसे ज़्यादा नेक्सॉन में 209 mm की। सेवन्थ नेगेटिव पॉइंट, कई सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको इस गाड़ी में नहीं मिल पाते, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, हार्मन म्यूजिक सिस्टम विथ 8 स्पीकर्स आपको इसमें नहीं मिल पाते, जबकि नेक्सॉन में मिल जाते हैं, HID हेडलैम्प्स, एम्बियंट लाइटिंग और पेडल शिफ्ट जैसे फीचर्स भी आपको इसमें नहीं मिल पाते, लेकिन इको स्पोर्ट में मिल जाते हैं, हीटेड ORVM, स्मार्ट स्टीयरिंग, टायर पोजीशन डिस्प्ले, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 4 डिस्क ब्रेक्स, 7 एयरबैग्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिल पाते, जबकि XUV300 में मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसमें नहीं मिल पाता, जबकि इको स्पोर्ट और XUV300 में मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स तो मिलती हैं, लेकिन असल में उन सीट्स में लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, जबकि इको स्पोर्ट और XUV300 में आपको फुल लेदर सीट्स मिल जाती हैं। इसी तरह से इस गाड़ी में आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलती है, मतलब आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जबकि WRV और इको स्पोर्ट में आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी मिल जाती है, मतलब इनकी स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको विटारा ब्रिजा, इको स्पोर्ट और XUV300 में मिल जाते हैं, लेकिन वेन्यू में नहीं मिल पाते। मिरर लिंक आपको WRV और विटारा ब्रिजा में मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिल पाता। ऑटो डिम IRVM आपको इको स्पोर्ट और XUV300 में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको मैनुअल IRVM मिल पाता है। इन सारे नेगेटिव्स के अलावा एक और पॉइंट है कि कुछ लोगों को थोड़ी बड़ी गाड़ियां पसंद आती हैं, मेरा मतलब है जो देखने में थोड़ी बल्की लगती हैं, लेकिन ये गाड़ी बाहर से देखने में छोटी लगती है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल तो काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन साइड और रियर प्रोफाइल से ये गाड़ी कुछ लोगों को SUV कम क्रॉसओवर ज़्यादा लगती है। ये पॉइंट कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है तो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी है, जबकि ज़्यादातर लोगों को इस पॉइंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स के अलावा जब कोई भी गाड़ी इंडियन रोड्स पर कुछ महीने या फिर एक आध साल चल जाती है, पुरानी हो जाती है, तब उस गाड़ी में छोटी मोटी कमियां निकलकर सामने आना शुरू होती हैं। चूंकि हुंडई वेन्यू अभी अभी लॉन्च हुई है, इसलिए इस तरह की कोई कमी अभी तक तो देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर आगे देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूंगा। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, फिर चाहे डीजल इंजन में या फिर पेट्रोल में, मैनुअल में या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। कहीं से भी कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से मैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए मना करूं।
इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।